हेलो क्लास एट आज आप मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर फाइव जो कि क्या है प्लेइंग विथ नंबर है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इफ द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज एटीन मोर देन द ओरिजिनल नंबर द सम ऑफ द डिजिट इज एट देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ओके तो यहां देखिए क्या है द सम ऑफ द डिजिट इज एट ओके okay, अगर वंस प्लेस की डिजिट वंस डिजिट बी एक्स ओके okay, देन टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी एट माइनस एक्स ओके okay, देन नंबर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन

ऑप टेन बाई इंटर चेंजिंग डिजिट दैट मीन अगर आप डिजिट को चेंज कर दे वंस के प्लेस पे आ, टेंस राइट कर दे और टेंस के प्लेस पे वन तो क्या हो जाएगा टेन एक्स ओके प्लस एट माइनस एक्स सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा ट उसके बाद यहाँ पे क्या है इफ द नंबर क्वेश्चन फिर से रीड करिए देखिए इफ द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर एटीन मोर ये जो आपका नंबर जो है नाइन एक्स प्लस एट ये क्या है ओल्ड नंबर से एट्टी माइनस नाइन एक्स से क्या है एटीन मोर है तो आप इसमें क्या करेंगे इस वाले में एटीन आप ऐड कर देंगे और यहाँ पे राइट कर दीजिएगा okay? अगर राइट कर देते हैं तो आपका नाइनटी एट और ये जो प्लस एट है इस साइड में लेफ्ट साइड में इधर आके माइनस हो गया कितना हो जाएगा यहाँ पे एटीन एक्स इक्वल टू नाइनटी देन एक्स इक्वल टू एटीन फाइव नाइनटी ओके okay. तो क्या हो जाएगा number equal to, आप यहां पे इस वाले में वैल्यू रख देंगे X की ओके okay. तो क्या हो जाएगा 80 नाइन एक्स एक्स के प्लेस पे आपको क्या राइट करना है फाइव कितना हो जाएगा नाइन फाइव फाइव 45 फोर्टी फाइव और सेपरेट करते तो कितना आ जाएगा आपका आंसर थर्टी फाइव ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ टेन नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट यहाँ पे भी आपको डिजिट्स uh, को क्या करना है चेंज करना है डिजिट uh, के प्लेस को तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 36 व्हाट वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इफ द रेशियो बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज वन एंड टू तो यहाँ पे डिजिट्स का जो रेशियो दिया गया कितना दिया गया है वन और टू का तो तो लेट्स डिजिट 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 बी टेंस विल टू एक्स वाई क्योंकि आप देखिए डिफरेंस कितना दिया है वन so, और का तो नंबर क्या हो जाएगा आपका नंबर टेन इंटू टेन्स डिजिट प्लस वन डिजिट टेन टू जै ट्वेंटी एक्स प्लस एक्स कितना हो गया ट्वेंटी वन एक्स देन आप क्या लिखेंगे नंबर बाय इंटर चेंजिंग चेंजिंग डिजिट ओके राइट करेंगे टू एक्स तो टेन एक्स और टू एक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स अब देखिए क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे कि दोनों का डिफरेंस कितना है थर्टी सिक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वेंटी वन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू कितना शो करेंगे थर्टी सिक्स करते कितना टू थर्टी सिक्स देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कैंसिल होके फोर तो दियर फोर एक्स की वैल्यू अभी आपकी आई है ओके तो वंस वंस डिजिट कितनी हो जाएगी वंस डिजिट आपकी हो जाएगी फोर uh, और टें डिजिट कितना हो जाएगा टू फोर जा एट ओके क्लियर देन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डिफरेंस आपको क्या uh, बताना डिफरेंस किसका सम एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट यानी पहले डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और एक बार सेपरेट कर दीजिए देन उसके बाद आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है ओके okay? तो डिफरेंस बिटवीन देयर सम्स बिटवीन देयर सम्स एंड डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों का सम करेंगे कितना आएगा फोर प्लस एट और जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कितना करेंगे एट माइनस फोर कितना हो जाएगा फोर एट ट्वेल्व और यहां पे एट माइनस फोर करते हैं कितना हो जाएगा आपका फोर ट्वेल्व माइनस फोर कितना हो जाएगा एट ओके स्टूडेंट्स देन देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इन आर टू डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज फोर टाइम ओके किसके द डिजिट इन देंस ओके एंड द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू टेन वॉट इज द नंबर तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसका फोर टाइम है कौन जो वंस प्लेस पर है ओके okay? तो आप राइट right कैसे करेंगे लेट टेंस डिजिट टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स देन वंस डिजिट कितनी हो जाएगी फोर टाइम वन्स डिजिट यहां पे थोड़ा सा वंस डिजिट विल बी फोर फोर एक्स देन क्वेश्चन इज से सम ऑफ द डिजिट सम ऑफ डिजिट हाउ मच टेन तो वॉट इज डिजिट हियर एक्स एंड फोर एक्स ओके equal to 10 then 5x equal to 10 then x equal to 2 okay so tens digit tens digit equal to 2 sorry 2 ni. yes and once digit equal to 8 then number equal to kya hota, 10 into tens digit प्लस वंस डिजिट इक्वल टू ट्वेंटी प्लस एट इक्वल टू ट्वेंटी एट ओके स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या है? नंबर इज इट सेल्फ वॉट इज द नंबर तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका यूनिट प्लेस का तो डिजिट दिया हुआ है वंस प्लेस का ओके टेंस का नहीं है तो लेट टेंट ते, बी एक्स इक्वल टू एक्स और वंस प्लेस पे डिजिट कितनी है डिजिट इज नंबर क्या हो जाएगा यहां पे देखिए क्या द सम ऑफ डिजिट इज वन बाई सिक्स ऑफ द नंबर इट तो आपको पहले नंबर फाइंड आउट करना है नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनटू टेंथ डिजिट क्या है एक्स प्लस वन्स डिजिट दैट मीन 10 एक्स प्लस 4 तो यहां पे देखिए अब क्वेश्चन फिर से सम ऑफ डिजिट तो सम ऑफ डिजिट के लिए क्या करेंगे आप एक्स प्लस 4 यहां राइट कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन आपको राइट करना है तो सम ऑफ डिजिट हमने राइट कर दिया एक्स प्लस फोर क्योंकि uh, नंबर uh, तो क्या है आपका टेन एक्स प्लस फोर तो ये क्या है वन सिक्स है ये तो आप वन बाई सिक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्स अब आपका यहाँ पे है तो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स से ऐसे कुछ हो जाएगा टेन एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई करते तो सिक्स एक्स सिक्स फोर ट्वेंटी फोर टेन एक्स प्लस फोर टेन एक्स को आप लेफ्ट साइड में लाइए सिक्स एक्स माइनस टेन एक्स देन फोर माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स माइनस टेन करते तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्स इक्वल टू ट्वेंटी क्या है यहाँ पे टेन एक्स टेन एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव प्लस फोर टेन फाइव फिफ्टी और फिफ्टी फोर ओके अब यहाँ देखिए वंस प्लेस पे आपका कितना है फोर uh, है और अगर सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो कितना आएगा नाइन आएगा जो कि इसका कितना है फिफ्टी फोर का वन सिक्स है ओके क्लियर फिफ्टी फोर का कितना है आपका ये वन सिक्स है दैट मीन योर आंसर इज करेक्ट स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन जो है मतलब new exercise आ गई है 5.2 और यहां पे क्या तो तो इस तरीके के question class 5 से 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 हो जाते हैं तो कौन से number आपके two से होते हैं कौन आपके होते अगर वंस प्लेस पे आपका जीरो टू फोर सिक्स एट है तो वो नंबर आपका टू से डिविजल होगा तो ये वाला आपका नहीं हो पाएगा ये हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे टू है ये भी हो सकता है क्योंकि वंस प्लेस पे

तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो सम सम डिजिट्स डिजिट्स ऑफ सिक्स प्लस थ्री प्लस नाइन प्लस थ्री सिक्स थ्री नाइन 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 एटीन एटीन थ्री ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन इज डिजल बाई ट्वेंटी वन इज डिविजल बाई थ्री ओके देर फोर ऐसे nine के लिए क्या होता है कि सम आप अगर आप इसका करते हैं सम ऑफ डिजिट इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री आपको पता ही कितना आएगा ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी वन तो आप डायरेक्टली ट्वेंटी वन राइट कर दीजिए ओके राइट कर दिया अब ट्वेंटी वन क्या होगा डिविजिबल है नाइन uh, से ट्वेंटी वन इज नॉट सॉरी यहां पे आपको नॉट लिखना है इज नॉट डिविजिबल बाई नाइन देर फोर सिक्स थ्री नाइन थ्री इज नॉट डिविजिबल बाई नाइन ओके स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप कर सकते हैं है, okay, क्लास फाइव या सिक्स की है अगर आप चेक करेंगे तो वीडियो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिजल बाई टू फोर एट ओके यानी कौन कौन सा नंबर टू से होगा थ्री सिक्स नाइन टू टू से डिविजल है, है. क्यों है क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है टू है फोर से डिविजल होने के लिए रूल क्या होता है आ, इसका आ, होता है रूल कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर अगर फोर से डिविजल है तो नंबर आपका फोर से डिविजल होगा तो 92 आपका फोर से डिविजल हो जाएगा ये देखिए फोर टू जा एट बचेगा वन वन टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व फोर थ्री जा तो आपका 92 अगर आपका डिजुअल हो रहा है फोर से तो ये होल नंबर दैट मीन थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी टू इज आल्सो डिजुअल बाई फोर एट के लिए क्या होता है रूल नंबर फॉर्म बाई लास्ट थ्री डिजिट लास्ट थ्री डिजिट से बना हुआ नंबर अगर एट से डिजुअल है तो ये होल नंबर आपका एट से डिजुअल हो जाएगा तो चेक करते हैं एट से एट एट जा सिक्सटी कितना बचेगा फाइव आएगा फाइव टू फिफ्टी टू हो जाएगा जो कि एट से कैंसिल नहीं होगा देयर फोर थ्री सिक्स नाइन टू इज ओके कैसे राइट करना है तो मैं राइट करके दिखा दे रहा हूं आपको ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया इसी तरीके से आपको राइट करना है कॉपी में ओके स्टूडेंट्स देन क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड वेदर सिक्स जीरो टू फोर इज डिजल बाई सिक्स आर नॉट सिक्स जीरो टू फोर आपका सिक्सुअल है कि नहीं तो सिक्स से डिविजल के लिए रूल क्या होता है अगर कोई नंबर टू से भी डिविजल हो रहा है और थ्री से भी डिविजल हो रहा है तो आपका गिवन नंबर क्या हो जाएगा सिक्स से डिविजल होगा तो कैसे यहाँ पे करेंगे सिक्स जीरो टू फोर इज डिविजल बाई डिविजल बाई टू ओके okay, लिख सकते हैं आप डायरेक्टली और सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट आपको राइट करना पड़ेगा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट बी प्लस टू प्लस फोर कितना हो जाएगा टू फोर सिक्स सिक्स ट्वेल्व देर फोर सिक्स जीरो मतलब ट्वेल्व आपको क्या राइट करना है पहले ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई

बाई टू एंड थ्री बोथ नंबर से हो रहा है तो देर फोर सिक्स जीरो टू फोर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सिक्स ओके देखिए यहां क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है रिप्लेस करना है मतलब जो ब्लैंक स्पेस दिया है सेवन सॉरी यहाँ पर आपको आपको यहाँ पे एक ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट ट्रैक्ट करना है कि वो थ्री से पहले कैंसिल हो जाए और नाइन से भी तो फॉर डिविजिबल फॉर डिविजिबल बाय थ्री ओके तो यहां पे ब्लैंक प्लेस पे अगर आप एक्स ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको सेवन थ्री टेन अब थ्री से ड्यूजल होने के लिए क्या होना चाहिए सम कितना आना चाहिए कुछ ऐसा है कि थ्री सेडिज हो जाए तो कितना है सम 10 आए अगर टू और हो तो यहाँ पे आपका uh, सम कितना आएगा ट्वेल्व आएगा ओके क्योंकि टेन टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा तो आपको यहाँ पे x के प्लेस पे क्या राइट करना पड़ेगा टू ओके एसेट नाइन के लिए क्या हो जाएगा फोर डिविजल बाई डिविजिबल बाई नाइन एक्स इक्वल टू तो सेवन थ्री कितना हो रहा है टेन लेकिन कितना होना चाहिए 9 से होने के लिए 18 होना चाहिए या फिर ट्वेंटी सेवन तो आपका जो मिनिमम नंबर होगा क्या हो जाएगा टेन आ रहा है टेन एट जाट एटीन हो जाएगा ओके okay? तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया एट ओके okay? तो ऐसे ही आप अदर सम्स करेंगे अब यहाँ देखिए फाइव जीरो फोर में थ्री से डिविजिबल होने के लिए भी जीरो होगा क्योंकि फाइव फोर नाइन और नाइन से भी डिविजल होने के लिए जीरो ही होगा सिक्स सिक्स वाले में भी कितना हो जाएगा थ्री सेडिजल होने के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो रहा है तो आप बस जीरो कर दीजिए लेकिन से, ये नाइन सेड्यूजल होने के लिए कितना चाहिए एटीन चाहिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए सिक्स ट्वेल्व हो रहा है ट्वेल्व सिक्स आपका एटीन दैट मीन यहाँ पे सिक्स हो जाएगा ओके देन क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर है आपका टेस्ट टेस्टी बाई इलेवन ये नंबर आपका इलेवन से डिविजिबल है कि नहीं तो इसके लिए मैं रूल नहीं राइट करूंगा बस ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि क्लास फिफ्थ और तो सिक्स की वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूल्स क्या है ओके एंड वन तो इसके लिए क्या होता है आपको सम ऑफ ऑट डिजिट पहले करिए तो सॉरी ऑट प्लेस देखिएगा कुछ ऐसे ये ये नंबर और ये वाला नंबर कितना आ जाएगा वन आएगा ओके और इवन प्लेस पे क्या है जीरो जीरो और वन यहाँ पे राइट कर दिया और दोनों को सपरेट करेंगे जो कितना आ रहा है जीरो अगर ये जीरो है इलेवन है या फिर ट्वेंटी टू है इलेवन का मल्टीपल है तो नंबर आपका इलेवन से डिजिबल होगा दैट मीन आपका ये नंबर इलेवन से डिजिबल है ओके और इसको किससे चेक करना है नाइन से तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट अगर नाइन का मल्टीपल आता है तो ये नंबर आपका नाइन से डिजिबल होगा ओके यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजुअल बाय फाइव बट नॉट टेन कौन सा फाइव से डिविजुअल हो रहा है लेकिन टेन से नहीं तो फाइव के डिविजुअल के लिए रूल क्या होता है कि वन्स प्लेस पे या तो जीरो हो या फाइव हो तो यहाँ देखिए वन्स प्लेस पे फाइव है वन्स प्लेस पे फाइव है और वंस प्लेस पे जीरो है वंस प्लेस पे फाइव है इन सारे के सारे नंबर क्या होंगे फाइव से डिविजिबल हो जाएंगे लेकिन टेंस के uh, 10 के लिए क्या होता है वन्स प्लेस पे केवल और केवल क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए तो जीरो कहाँ? इस नंबर पर है और इसमें है और इसमें है दैट मींस ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कि uh, आपके 10 से डिविजिबल होंगे हां और 5 से भी होंगे ओके और ये थ्री uh, और अदर ये जो होल नंबर्स हैं वो आपके सॉरी टोटल जो नंबर गए हैं, सारे सारे नंबर फाइव से होंगे ओके देन क्वेश्चन नंबर एट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स तो आपको बताना है कि इसमें से थ्री डिजुअल बाई थ्री एंड नाइन बोथ ये दोनों आ, मतलब ये तो क्या करना है नाइन से डिविजल अगर देख लीजिए अगर हो रहा है तो होगा तो यहाँ 18. 18 से भी डिविजल होता है और थ्री से भी इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ऐसे ये 10 से डिजल नहीं होगा क्योंकि टेंथ से डिव्यूअल होने के लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए था जीरो तो इसलिए क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया ऐसे टू हंड्रेड सेवेंटी डिविजल बाई टेन बट नॉट बाई फाइव तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो कि टेन से डिविजल हो लेकिन से ना हो तो so, ये क्या हो जाएगा आपका फ़ॉल्स होगा. ऐसे uh, पे एट so, है तो so, ये आपका टू से डिविजल होगा अगर वंस प्लेस पे जीरो टू फोर सिक्स एट ये फाइव नंबर है तो नंबर आपका जरूर आपका टू से डिविजल होता है देन यहाँ पे क्या है

लेकिन आपको नहीं बताना बस आपको ये बताना है कि डिजुअल है या नहीं तो डिजुअल हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका ट्रू फोर्थ वाला भी आपका ट्रू है ओके